फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 19th ऑफ मई 2022 यानी आज के हाइलाइट्स हम देखते हैं क्या-क्या है। तो हम पहला जो पॉइंट कवर करेंगे वो ये कि अभी बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अभी खत्म हुआ है और जिसमें थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि इंडिया ने जीता है। आज हम देखेंगे उबेर कप कौन जीता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि क्वाड की एक समिट होने वाली है, कहाँ होने वाली है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में काफी खलबली रहती है, खास करके चाइना में, क्योंकि वो कुछ परेशान सा हो जाता है जैसे ही क्वाड समिट सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे 2026 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, क्योंकि इस साल का जो 2022 का है, जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला था चाइना में, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और हम एक पॉइंट लास्ट में ये भी जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड ये किस भारतीय को नवाजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले मेजर पॉइंट के साथ, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट क्वाड समिट। क्वाड यानी चार देशों का यह समूह है जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। यहाँ मैप पर आप देख सकते हैं ये चार कंट्री को मिला के क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यूएसए ये, और ये रहा जापान। तो ये चार कंट्री को मिला के क्वाड कंट्रीज बनता है। और इसका इस साल का समिट 2022 का कहाँ होने वाला है, नेक्स्ट समिट अगले ही मंथ होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है टोक्यो। क्वाड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, कोलोक्वियली द क्वाड इज अ स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। ये चार कंट्रीज हैं जो अपने सिक्योरिटी के लिए या और भी कई इकोनॉमिक रीजंस के लिए ये आपस में बातें करते हैं। लास्ट टाइम ये न्यूयॉर्क में हुआ था यानी यूएसए में, और इस बार जो होने वाला है वो होने वाला है जापान में, जहां नए नए प्रधानमंत्री बने हैं। राइट, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने तो धमाका ही कर दिया थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप में, पहली बार भारत जीता है और दूसरी बार जो कंट्री जिसने उबेर कप जीता है उसका नाम बताना है। तो ये गर्ल्स का होता है उबेर कप और थॉमस कप होता है मेंस के लिए। यहाँ ऑप्शन है आपके पास, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया या इंडोनेशिया। तो यहाँ राइट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, दैट इज साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया जीता, इसने चाइना का डिफेंडिंग चैंपियन जो चाइना था उसको हराया है, और ये पूरे इतिहास में दूसरी बार साउथ कोरिया ने इस चैंपियनशिप को जीता है। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है साउथ कोरिया का, और कहीं उससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है भारत का, क्योंकि भारत ने तो पहली बार थॉमस कप जीता था। तो आइए इसके उबेर कप के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इस बार क्या हुआ। आफ्टर द थ्रिलिंग फाइनल इन द इंपैक्ट एरिना इन बैंकॉक, यानी बैंकॉक में टूर्नामेंट हुआ जिसमें कोरिया स्टन डिफेंडिंग चैंपियन चाइना टू कैप्चर देयर सेकेंड उबेर कप टाइटल। द उबेर कप समटाइम्स कॉल्ड द वर्ल्ड विमेन्स टीम चैंपियनशिप इज अ मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन contested by women's national badminton teams. Total teams कितने participate करते हैं इसमें, याद रखिएगा 16, और ये शुरू हुआ था ये tournament 1957 में। अगला point है, which Indian receives Order of British Empire Award? और चार option है आपके पास, पवन मुंजाल जो हीरो ग्रुप के हैं, निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अजय पिरामल पिरामल ग्रुप के हेड हैं, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं। इसमें से किसको मिला है अभी रिसेंटली ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है ये, और देखते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है। राइट आंसर इज अजय पिरामल। जी हाँ, ये उन्हीं का फोटो है और चेयरमैन ऑफ पिरामल ग्रुप है, दवा की कंपनी है ये। अजय पिरामल हैज रिसीव्ड एन ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, शॉर्ट में इसे CBE कहते हैं, बाय हर मेजेस्टी द क्वीन। तो वहां की महारानी ने इनको इस अवार्ड से नवाजा है। अगला एक मेजर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हु रिसीव्स द टेम्पलेटन प्राइज 2022। यहाँ पे चार ऑप्शन है, डॉक्टर फ्रैंक विजेक विल्जेक, डॉक्टर स्क्वेंजोग, मैं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ा सकता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर जैनुल बख्तियार या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। ओके, इस बार कोशिश किया है बेहतर प्रोनाउंसिएशन की। टेक अवेज क्या है, अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं ये, राइट, और कुछ समय पहले इनको यानी 2004 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो इसी बड़े शख्स को अभी अवार्ड दिया गया है टेम्पलेटन प्राइज 2022। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है
which is valued at over $1.3 million. About Templeton Prize, थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये शुरू किसने किया था? तो जॉन टेम्पलेटन ने इसे एस्टैब्लिश किया था, और पहले इसको बोला जाता था टेम्पलेटन प्राइज फॉर प्रोग्रेस इन रिलीजन। अब इसको नाउ इट्स नोन सिंपली एज टेम्पलेटन प्राइज, और ये शुरू कब किया गया था? 1972 में, और पहला इनॉग्रल प्राइज जो मिला था वो ग्रेट मदर टेरेसा को ये अवार्ड मिला था, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइज। अगला पॉइंट आ रहा है, विच आउट ऑफ दीज नॉर्डिक कंट्रीज हैव अप्लाइड टू ज्वाइन नेटो। पूरी दुनिया में इस समय में काफी हॉट एरिया ये बना हुआ है, और यहीं के दो कंट्री ने आज ही नेटो में फॉर्मली अप्लाई किया है ज्वाइन करने के लिए, जिसे अमेरिका ने वेलकम किया है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या नेटो कंट्रीज ने इसको वेलकम किया है, इस मूव को। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके स्वीडन, फिनलैंड, या ये दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, और राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। जी हाँ, ये रहा स्वीडन और ये फिनलैंड, ये दोनों ने अप्लाई किया है नेटो को ज्वाइन करने के लिए। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 कंट्रीज हैं। नॉर्मली इट इज बिलीव टू बी हेडेड बाय यूएसए, वैसे सभी कंट्रीज का इक्वल राइट्स है, लेकिन सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री इस ग्रुप का अमेरिका ही है। तो नॉर्वे यहाँ का जो है ये ऑलरेडी नेटो का सदस्य है, वैसे ही यहाँ के तीन जो ये बाल्टिक सी है, यहाँ के तीनों जो कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब ऑलरेडी नेटो कंट्रीज में नेटो के सदस्य हैं। डेनमार्क भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, राइट, जर्मनी, पोलैंड भी ऑलरेडी नेटो का सदस्य है। ये दोनों बचे हुए थे, और खास करके फिनलैंड जो कि रशिया का काफी लंबा ये बॉर्डर बनाता है, इसलिए रशिया थोड़ा परेशान है और अपने ट्रूप्स को इसके बॉर्डर पर ऑलरेडी भेज दिया है, और कोशिश ये कर रहा है कि ये दोनों कंट्री फर्दर नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि यही कारण बताकर रशिया ने यूक्रेन पर रिसेंटली अटैक किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है, इसको याद रखेंगे और कंटिन्यूएशन में इस न्यूज पे नजर बनाए रखेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन है। तो नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, यानी ये तीनों कंट्री आइसलैंड और डेनमार्क को माना जाता है, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोला जाता है। आज का लास्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द 2026 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। ऑप्शन है पेरिस, बीजिंग, हेलसिंकी या क्रोएशिया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रोएशिया। जी हाँ, क्रोएशिया में 2026 का विंटर ओलंपिक्स होने जा रहा है, इस साल का, यानी 2020, ये 4 इयर्स पे होता है, तो 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला था चाइना में, उसे कैंसिल कर दिया गया है, और इसका कारण है वहाँ पे कोरोना पेंडेमिक फैल गया है, और जिसके कारण इसे कोई और फर्दर कोई खिलाड़ी बीमार ना हो, इसी को सेव करने के लिए इस साल का जो विंटर ओलंपिक्स था, जो कि बीजिंग में होने वाला था चाइना में, उसे कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, 2022 बीजिंग में होने वाला था, और कहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है? होने वाला है मिलानो, क्रोएशिया में 2026 में। ये भी याद रखिएगा कि ये क्यों कैंसिल हुआ इस साल का, तो उसका मेन कारण है कोरोना वायरस, जो फिर से काफी ज्यादा फैल गया है चाइना में, राइट? कुछ टेक अवेज है यहाँ देख लेते हैं। 2022 का ओलंपिक्स, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में आया, इससे रिलेटेड और भी बातें हम जान लेते हैं। 2022 विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली नोन एज 24th ओलंपिक विंटर गेम्स वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 4th टू 20th ऑफ फरवरी 2022 इन बीजिंग, चाइना। द बीजिंग 2022 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल मोटो फॉर 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स एज टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, राइट? तो अब तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है वो याद रखेंगे, और नेक्स्ट कहाँ होने वाला है इसे याद रखेंगे। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पास हम लेकर आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।